तो मैंने देखी थी वैक्सीन वॉर फिल्म, जो हमारे भारत के वैक्सीन बनाते हुए टाइम के ऊपर आधारित है। और इस फिल्म के डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने इस फिल्म से पहले दी कश्मीर फाइल जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई थी, जिस फिल्म में हमें दिखाया गया था कि कैसे कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किया गया था। और अब उनकी अगली फिल्म दी वैक्सीन वॉर, जिसे देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम कोविड के टाइम में अपने घर पर रहकर सोशल मीडिया पर अपना टाइम बिता रहे थे, तब हमारे देश के डॉक्टर और साइंटिस्ट अपनी जान की बाजी लगाकर हम सभी के लिए वैक्सीन बना रहे थे, तो इस टाइम के बीच उनको कितना दुख दूर परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए अपनी जान खतरे में डालकर वैक्सीन बनाने में लगे हुए थे। तो इस फिल्म से मुझे ये एहसास हुआ कि आज जो हम जिंदा है तो वो उन साइंटिस्ट और डॉक्टरों की वजह से हैं। तो मेरे भारत के सभी डॉक्टरों और साइंटिस्टों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी जिंदगी सुरक्षित की। और विवेक अग्निहोत्री सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने उन डॉक्टरों और साइंटिस्टों के दर्द को हमारे सामने रखा। वैक्सीन वॉर फिल्म की कहानी हमें इमोशनल कर देगी, जिसे देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि क्यों डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्योंकि जब कोविड के टाइम में इतना ज्यादा डर था कि हम अपने घर से बाहर निकलने से डरते थे और किसी भी चीज को छूने से घबराते थे, तब हम सभी को बचाने के लिए पुलिस, डॉक्टर और साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे थे। तो ये फिल्म उन सभी के दर्द को बयां करती है। और अगर ये फिल्म नहीं बनती तो हमें उन डॉक्टरों के दर्द की कहानी तो पता ही नहीं चलती, क्योंकि कोविड के टाइम में सभी अस्पतालों में से लाश पर लाश उठ रही थी, जिसे देखकर लोगों का सभी डॉक्टरों और सभी अस्पतालों पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन दी वैक्सीन वॉर फिल्म ने हमें वो सच्चाई दिखाई है, जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे, क्योंकि ये फिल्म आपको इतना रुलाएगी कि जिसे देखने के बाद आप थिएटर से बाहर निकलकर सिर्फ इसी फिल्म की चर्चा करोगे। और इस फिल्म में छोटी छोटी डिटेल पर काम किया गया है, जो ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत की है। इस फिल्म में आपको सभी एक्टरों की दमदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और इस फिल्म के कई सीन आपको दर्दनाक लगेंगे। तो दी वैक्सीन वॉर फिल्म को जरूर देखना, और गलती से भी इस फिल्म को मिस मत करना, वरना आप एक ऐसी सच्चाई से अनजान रह जाओगे जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपने दी वैक्सीन वॉर फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको वो फिल्म कैसी लगी। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो वो उन डॉक्टरों और उन साइंटिस्ट की वजह तो वो उन डॉक्टरों